दो लोग ऐसे शख्स है ना, भौत के वीडियो बनाई नासूर बन गए हैं यूट्यूब पे, पकौड़ी छान के खिया तो खेबे, तो पकड़ करके झाड़ लगाना शुरू कर, मेरे से पक्का पड़ा। हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे, उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। वेलकम करती हूँ विद द लाइफस्टाइल व्लॉग में, और चाय की चुस्की के साथ साथ मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ। और इसमें चाय है, ये झूठा नहीं है, क्योंकि अक्सर लोग ना यूट्यूबर्स को कह देते हैं चाय नहीं होती, मैं झूठा है। तो बेसिकली मैं आज बात करने वाली हूँ कुछ ऐसे लोगों की कि जो लोग जो है ना इतना ज्यादा फेक हो गए हैं यूट्यूब में कि लोग भी जो है ना सभी को झूठा मानने लगे। जैसे मैं बात करूं कि चलिए मैं बात करती हूँ, और जो दो लोग ऐसे शख्स है ना उनकी मैं बात कर रही हूँ कि ये दो लोग जो है बिल्कुल नासूर बन गए हैं यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, और इन लोगों ने हद कर दी है झूठ की, इतना ज्यादा फेक डाल रहे हैं। क्योंकि अब आप सोचेंगे ये लोग ऐसा कर रहे हैं तो मुझे इससे क्या तकलीफ, भाई ये लोग ऐसा कर रहे हैं तो तकलीफ मुझे इससे ये है कि भाई इनकी वजह से लोग सोचने लगते हैं कि हम भी झूठ डालते हैं। जैसे मैंने एक वीडियो था मेरा, कड़ी धूप में मेहनत कर रही थी, तो उस समय मैं क्या कर रही थी, कैमरा लगा करके मैं पानी गार्डन में, मतलब अपने पौधों में पानी डाल रही थी, ये दिखा रही थी कि मैं सुबह का मेरा रूटीन क्या होता है। और उसमें अचानक से क्या हुआ कि मतलब कि मैं काफी दिन से थोड़ा वीक महसूस कर रही थी, तो मैं थोड़ा धूप भी थी उस समय, बहुत मॉर्निंग का टाइम नहीं था, तो मैं बेहोश हो गई थी। और बेहोश हो गई थी तो पानी जो है मेरे पाइप मेरे ऊपर पड़ा हुआ था, और पानी पड़ता रहा। उसके बाद थोड़ी देर बाद मुझे होश आ गया, तो मैंने कैमरे में शूट हो गया, तो लोगों ने उसे झूठ माना। और इन लोगों के चक्कर में झूठ मानते हैं आप लोग, क्योंकि जो है ऐसे लोग ही मतलब इस तरह की हरकतें करते हैं। और उनमें से एक है सावित्री कुमारी ऑफिशियल, जो क्या करती हैं कि ये जो है स्टेशन पे बिल्कुल आराम से टहल रही हैं, आप इसने देखी है, बिल्कुल आराम से टहल रही हो, आपकी हालत भी पागल हो चुकी है, ट्रेन नहीं आने के लिए पागल हो चुकी है। टहलते टहलते अचानक क्या हो जाता है कि ये किसी एक लड़के को पकड़ करके झाड़ लगाना शुरू कर देते। ये देखिए, यही बंदा है जो मैं अभी तुरंत बाथरूम गई थी, और ये लड़का मुझे बाथरूम में बंद कर दिया, और ये दोनों सेट है, ये क्या बोल रहा है। और कहती है कि तुमने मुझे बाथरूम में बंद कर दिया था, तुमने बाथरूम खोला नहीं था, और वो लड़का चुपचाप सुन रहा है उनकी बातों को। ये तो बैकग्राउंड पे ऐसा ही होता है कि भैया थोड़े पैसे दे दो, तुम शांति से सुनते रहना तब तक हमारे जब तक वीडियो बनाने, पर ये दोनों सेट है, ये क्या बोल रहा है, जाके खोलने गया था, मैं खुद कुंडी लगाई फिर उसके बाद ये जाके बंद कर दिया। जानवर जितना थप्पड़ मारो ना मुंह तोड़ दूंगी, जानवर नहीं था, ऐसे लड़की को ट्रीट किया जाता है। आप ये नहीं सोचते हो कि वो जो बंदा है, उस बंदे को अगर आपको लगता है कितनी ज्यादा परेशानी थी, तो आप पुलिस स्टेशन में जाते, पकड़ करके दे देते पुलिस वाले को, अपने आप ही वो समझ लेता। आप उस बंदे को झाड़ रहे हो और उसको बताते चले जा रहे हो, और वो चुपचाप सुनता चला जा रहा है। बंद करोगे, वो भी लड़की जाती है, तुम बंद कर देता है अंदर से। अब मैं अकेली थी ट्रेन, एकदम चुपचाप ट्रेन में, कोई एक भी बंदा नहीं है, तुम जाके उसे बंद कर देगा, और तुम उसके ऊपर कुछ भी कर सकता है। और दो लोग हैं वहां पर खड़े हैं, और वहां पर कोई पब्लिक नहीं है, कोई पब्लिक ऐसे देख नहीं रही है, और आप उसे झाड़ते चले जा रहे हो। और इस तरह की वीडियोस काफी बनाने लगी है सावित्री कुमारी। मेरे से पंगा पड़ा, ये वीडियो तुमको पता है कितना लोग देखेगा, ये वीडियो तुम्हारे साथ भागा था, जो तुमको बंद करने बोला कहां भागा। तो दोस्तों पता नहीं मैं क्या बोली, ये सूरत स्टेशन में ऐसा मेरे साथ हादसा हुआ अभी तुरंत, यहाँ जितना आप इकट्ठा देख रहे हैं वहाँ पर, वो लड़का का आपको वीडियो में भी दिखाई उसका फेस, उसने मुझे लॉक कर दी। पहले ये एक्चुअली सावित्री कुमारी सनातन की बहन है, जो बहुत मतलब की झोपड़पट्टी से उठे हुए यूट्यूबर्स है, और ये काफी गरीब थे, और ये लोग पहले बहुत अच्छा डांस करते थे, मुझे बहुत अच्छा लगता था, काफी एक्ट्रेस ने भी इनकी तारीफ की। पर बाद में जैसे जैसे ये अमीर होते गए, जैसे जैसे इनका लेवल बढ़ता चला गया, इन्होंने झूठ की दुकान खोल ली। और झूठ की दुकान पर एक बार बता दूं कि अगर गरीबी में आप अगर सही कर रहे थे, तो जब भगवान ने आपको पैसा दिया तो आपने झूठ का सहारा लेना शुरू कर दिया, तो आप एक बात बताइए, जब आपने झूठ का सहारा लेना शुरू कर दिया तो आप जो सच्चे थे, जो आपने सच्चाई से अपनी मेहनत से इतनी ऊंची तक पहुंचे, आज वो जब झूठ में बदल जाएगा तो लोग क्या आज नहीं तो कल पकड़ लेंगे। और आपकी वीडियो पे इतने कॉमेंट्स है कि आप ये झूठ बोल रहे हो, तो इससे जो मुझे भी बहुत तकलीफ हुई, क्योंकि मैंने पहले के वीडियोस देखे मुझे अच्छे लगे, पर आपके वीडियोस में मुझे अब सिर्फ झूठ और सिर्फ झूठ नजर आता है, पति की
सौतेली बीबी और ये वो, और जो जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है और सब फेक 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 आप डालने लगे। दूसरी जी है, दूसरा जो यूट्यूबर है वो है गोरुपुरिया भौजी। गोरुपुरिया भौजी ने तो बिल्कुल औरत की, मतलब कह सकते हैं कि बिल्कुल ऐसी की तैसी कर रखी है। एक तो होते हैं लोग खुलेआम कहते हैं, पर उन्होंने गाली गलौज की इतनी इंतहा कर दी, इतना ज्यादा ये गाली गलौज करती है कि, और हर बात में गाली गलौज के साथ साथ जो है गंदे शब्दों का बहुत प्रयोग करती है, जो मैं अपने मुंह से कह नहीं सकती, आप खुद ही सुन लीजिए। कपार पे होक दिया तो कहाँ जाएगा, ऐसे टोपी पहनेगा हम ऐसे ही झटकार देंगे, ऐसे ही झटकार देंगे, है ना। और इतने गंदे शब्द बोलती है, फिर बाद में कहती है लोग इन्हें कमेंट करते हैं गंदे गंदे। तो पहले बता दो भौजी जी, भौजी पहले आप अपने शब्दों को सही करिए। जब आप अपने शब्दों को सही नहीं करेंगी ना, तो कोई भी आपको जो है, जब शब्द सही होंगे तो आपको कोई भी गलत कॉमेंट नहीं करेगा। तो फिलहाल हम टोपी ओढ़ लेते हैं, साला कहीं ना कहीं से हक देगा तो हम क्या करेंगे, उसका गाड़ तो फ्री हो ही गया है, वो तो हग ही रहा है घूम घूम के, पच पच कहीं भी हक दे रहा है, कहीं भी मुत दे रहा है, तो ये सब गलत बात है ना। गला मुतरा गलत बात है, आप लोग कह रहे भाभी आप वीडियो में गला मुतरा बात मत करो, अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बाबू मेरे कमेंट्स में देख लीजिए, मेरे कमेंट्स में इतने बेहुदा कमेंट्स नहीं आते हैं, जिस कमेंट्स को मैं जो है कहूं कि मतलब मेरी इज्जत की ऐसी की तैसी कर दी है, पर आप इतने गंदे कमेंट्स करते हो, आपको क्या क्या लोग कह देते हैं, और देखिए आप क्या क्या मुंह पे बोल रहे हो, मैं आपको खुद वीडियो में दिखा रही हूं। मतलब ये गुरुप्रिया भौजी ने, और फिर ये उसके बाद ये अपने पति को गायब कर देती है, फिर मुझे पति मिल जाता है। इनकी वीडियो में बहुत सारे ऐसे कमेंट्स हैं जिसमें बताया गया साफ साफ कि भैया ऐसा है, ये औरत झूठ की दुकान है ये भी, और मतलब ये किसी हद तक जा सकती है पैसा कमाने के लिए। जो उनकुला के होगा तना कमेंट अब उन के करिया होती, तू लोग के तोड़ी करिया होती है हमारे। अरे मैं आपको पता है, मैं जो है, सब लोग चाहते हैं कि वीडियो पे पैसा कमाना, पर पैसा ऐसा कमाना है कि जो मतलब मेरे नात बात रिश्तेदार अड़ोसी पड़ोसी मुझे झूठा कहने लगे। तो हमरे कमेंटवा में आके कहले बा कि हम तो हो गए, हम का करबे तोरे टोपिए पे मतलब तोरे कपड़े पे हो गए, तो करे बा क्या आप जो झूठ बोलते होगे तो क्या आपको पड़ोसी उस नजर से नहीं देखते होंगे, तो भाई और क्या आपकी बहने आपके भाई उस तरह से नहीं देखते होंगे, ऐसी इज्जत गवा करके पैसा नहीं कमाना भाई। खियाई तुहरा माय की अगरबत्ती दिखाई, तुहरा दीदी के घोड़ा से दौड़वाई, तुहरा दीदी के घोड़ा से दौड़वाई, आप कमाओ हमारे बस की नहीं है ऐसी। पर हाँ, आपकी वजह से हम झूठे साबित होते हैं, हमें लोग कमेंट कर देते हैं कि ये झूठ है या सच, मार देवे पर अर खेबे पर हकबे अर्रे खेबे पर हकबे। आ देख हम मन के है तो तीन तीन दिन चार चार दिन हो जाला लैट्रिन में गई ले जाइबे नहीं करले सब, जब कस के बैठ जाला तब जा। क्योंकि जब रिकॉर्डिंग करते समय कोई चीज रिकॉर्ड हो जाती है, या हम कोई काम कर रहे हो और हमने रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और उसमें कोई रिकॉर्ड हो जाती है, जैसे मेरे पास चाय गिरते हुए पतीला रिकॉर्ड हो गया, तो मैं चाय बना रही थी, तो लोग तब भी कहते हैं कि, वो लोग कहते हैं कि आपने ये फेंक दे डाला है, भाई रिकॉर्ड करते समय चाय गिर गई। अब मेरा जो है, जो भी मैं जो वीडियो शूट करती हूँ तो वो आपको दिखेगा, और आपको तो पब्लिक इतनी बेवकूफ नहीं है कि वो समझ ना पाए कि कब जो है मतलब नेचुरल हो रहा है और कब नहीं। अच्छा ये बताओ, तो हॉक के वीडियो बनाई पकौड़ी छान के खिलाए तो खेबे? अब मैं चाय है तो मैं चाय पी रही हूँ ना, तो जो है इस तरह की मतलब मैं यूट्यूबर से कहूंगी कि प्लीज आप थोड़ा सा पब्लिक को बेवकूफ ना समझे, क्योंकि पब्लिक बहुत स्मार्ट है, पब्लिक बहुत स्मार्ट है। उसके बाद क्या होगा ना कि आपका आपकी पब्लिक घटती चली जाएगी, सब्सक्राइबर्स घटेंगे, उससे कोई फायदा नहीं है। उसके बाद फिर आप रोते रहोगे पीटते रहोगे कि कहां से हम मिलियन से फिर से के में आ गए। तो भाई कैसे मिलियन में जाने में आपने बहुत लंबा सफर तय किया और बहुत सच्चाई से सफर तय किया है, तो प्लीज उस सच्चाई को बनाए रखिए। आज के लिए इतना ही, बस आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियोस में इस तरह का कोई झूठ नहीं होता, तो प्लीज मेरी वीडियोस को जरूर लाइक करिए, और आप मेरी कमेंट्स समय आता तो जरूर मतलब जिस तरह के मैंने कमेंट किया उनके ऊपर या फिर मैं जो बोल रही हूँ आप उनसे सहमत है, आप देख भी सकते हैं, मैं वीडियो में पूरा दिखा हुआ है, तो आप जरूर रिप्लाई करिएगा। तब तक के लिए इतना ही, और बस इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।